हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि HD के अंदर आप कैसे थंबनेल बना सकते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो को रैंक करने में, आपकी वीडियो को वायरल करने में थंबनेल बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 100 में से 90% लोग जो है वो वीडियो को टाइटल नहीं देखते, वो बस वीडियो को थंबनेल देखते हैं। अगर थंबनेल अच्छा हो तो वीडियो को परफॉर्मेंस से क्लिक कर देते हैं और आपकी वीडियो को वॉच कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 1 मिनट के अंदर अपना HD के अंदर थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक सा थंबनेल, बहुत अच्छा। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर न्यू आने वाली अपडेट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आपने आना है प्ले स्टोर के अंदर। यहाँ पे आपने एक ऐप को सर्च करना है, ऐप का नाम है पिक्सल लैब, ठीक है? तो पिक्सल लैब को आपने सर्च करना है और यहाँ से आप मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है इमेज सेज के अंदर। तो इमेज सेज के अंदर आपने आके क्लिक आना है। उसके बाद आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड, आपने कुछ इस तरह करना है। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने क्लिक करके कलर को कर लेना है व्हाइट। मैं तो व्हाइट करूंगा, आप जो भी कलर को करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, मतलब आप एज पर योर रिक्वायरमेंट जैसे आप चाहें इसको कर सकते हैं, जो जिस तरह का भी कलर, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी अच्छा सा कलर लगा सकते हैं। चलो मैं ये कलर रहने देता हूँ। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट है न्यू टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू क्रिएट। फिलहाल मैं इतना रहने देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको लाके छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ जी यहाँ पे एक अंदर, और अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले जाऊँगा फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे ME वाला फॉन्ट मैं लगा दूंगा, और उसके बाद मैं ओके करूँगा। तो उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर, तो इसको मैं इनेबल करूँगा और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड? कितना बेहतरीन लग रहा है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह करना है कि आपने फिर यहाँ पे ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक करना है, और आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे लिखना है HD थंबनेल, HD थंबनेल आपने लिखना है। उसके बाद आपने फिर से ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड? तो ओके करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ इस तरह करना है कि आप फिर से वही काम करें जो मैंने पहले आपको बताया, कि आप पहले इसके फॉन्ट के अंदर जाएं, और इसके फॉन्ट के अंदर जाने के बाद आप फॉन्ट को जिस तरह रखना चाहते हैं, चलो इस दफ़ा हम चलो यही रख देते हैं और ओके कर देते हैं। और उसके बाद इस आते हैं जी कलर के अंदर। कलर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि मैं इसका कलर रख देता हूँ ये वाला, और मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रोक के अंदर आता हूँ। स्ट्रोक के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, और जी ओके कर दें। अगर आपको साइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ये छोटा लग रहा है, तो आप इधर साइज के अंदर आकर साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें जी, साइज भी ये बिल्कुल बड़ा हो गया, ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पे आप इसके बाद फिर टेक्स्ट पे क्लिक करें, तो उसके बाद आप यहाँ पे ओके करें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड? MINUTS 1 मिनट। उसके बाद आप ओके करें और इसको नीचे लेकर आएं, तो इसको थोड़ा सा ये रोटेट हो गया, इसको सीधा करते हैं, ठीक है? यहाँ से पकड़ के ऐसे, तो इसको थोड़ा, इसका भी ऐसे ही करते हैं। इसको पहले साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। साइज को बड़ा करने के बाद ऐसे हो गया, और इसको ओके करता हूँ। और उसके बाद जाता हूँ जी इसके कलर के अंदर। कलर आप इसका कुछ भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप जो आप कलर लाइक करते हैं, जैसे कि ये मैं कलर, बल्कि यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो लगाता हूँ जी ये वाला, और मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ इसके फॉन्ट के अंदर। तो फॉन्ट के अंदर आने के बाद इसका मैं यही वाला फॉन्ट एक
डेज वाला फॉन्ट इसका दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बी के अंदर आऊँगा, उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, और उसके बाद मैं ऐसा करूँगा स्ट्रोक के अंदर आऊँगा, स्ट्रोक के अंदर आने के बाद इसको इनेबल करूँगा और यहाँ से वाइट प्रेस करूँगा सिलेक्ट, और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये इस तरह हो गया। तो फ्रेंड ये तो आपका इस तरह थंबनेल आपने इसके ऊपर लिख लिया। अगर इसके अंदर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो जहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करें, अगर आपने कोई पिक्चर या पीएनजी कोई आपने बनाई हुई है तो आपने फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और गैलरी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी पिक्चर जो अगर आपने को बनाई हुई है पीएनजी में, मैंने तो फिर कोई पीएनजी में पिक्चर नहीं बनाई हुई, तो यहाँ पे मैं इस फोटो पे क्लिक करूँगा और इसको मैं साइड से कर लूँगा क्रॉप। क्रॉप करने के बाद इसको मैं ओके कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरी एक पिक्चर भी बन के आ गई जी। तो ऐसे आप इसके अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो देखें फ्रेंड कितना बेहतरीन और कितना कितना अट्रैक्टिव हमारा एक थंबनेल जो है वो क्रिएट हो गया। आप भी इस तरह पिक्सेल ऐप के अंदर थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द मिलूंगा नई और वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।